उसकी पहचान जितनी बड़ी है, उसकी कहानी की शुरुआत उतनी ही छोटी जगह से हुई है, 4x4 के कमरे से। तारा और अब तारा देवी इसी गांव में पली बड़ी हुई एक लड़की जो आज ग्राम पंचायत की सरपंच है। कुछ समय पहले इस गांव का ये रूप नहीं था। यहां वहां मल, गंदगी, मक्खियां, बदबू, यही इस गांव की पहचान थे। सभी बड़े और छोटे शौच के लिए खुले में ही जाते। शायद ही किसी घर में शौचालय था। हमारा गांव बीमारियों का घर था। कितने ही बच्चों ने अपना 5वां जन्मदिन भी नहीं देखा। लड़कियों और औरतों के लिए खुले में शौच जाना हर दिन एक चुनौती से कम न था। जो औरों के लिए एक सामान्य सी बात थी, वही बात उनकी आजादी के लिए अंकुश और आत्मसम्मान के लिए एक प्रश्न चिन्ह। एक शाम हमेशा की तरह जब मैं और मेरी बहन शौच के लिए निकले, तो लगा शायद झाड़ के पीछे से कोई देख रहा था। बड़ी मुश्किल से हम दोनों घर पहुंच पाए। पर इस हादसे ने बापू पर गहरा असर छोड़ा। कल जो मेरे तारा और हीरा के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं गांव वालों से बात करके गांव के हर घर के लिए शौचालय बनाना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों से वो पानी और स्वच्छता कमेटी के मेंबर हैं। उनकी मेहनत और गांव वालों के साथ से आज हमारा गांव खुले में शौच से मुक्त है और बाकी गांव के लिए एक उदाहरण बन गया है। मुझे मेरे बापू पे नाज है और मुझे अपनी तारा पे। एक 4x4 का कमरा पूरे गांव का चेहरा ही नहीं, लोगों की जिंदगी भी बदल देता है।